हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप इस क्यूट सी बेबी का हेयर देख सकते हैं और मैं इनका हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि हेयर ज़्यादा घना नहीं है। तो उस पर मैं आप लोगों को ऐसा कट बताऊँगी इस तरीके से बहुत ही आसानी से कि वो ऐसे कट करें कि वो अच्छा खासा घना भी दिखने लगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस हम वही करने वाले हैं, जैसे कि बालों को गीला करके अच्छे से कोम करके बालों को टेंगल फ्री कर लेना है, ताकि कटिंग के समय में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से कर लेंगे और सारे बालों को एक साथ में इस तरीके से उठा लेंगे। नीचे जो है पतला सेक्शन छोड़ेंगे नीचे की तरफ, इस तरीके से पार्टिंग कर लेना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी बच्चों की जैसे कि बेबी गर्ल्स का हेयर कट करते हैं, तो जो नीचे वाली जो फर्स्ट लेयर होती है, आप उसको जितना हो सके शॉर्ट करके कट करिए। उससे क्या होता है कि कभी भी जो अंदर के हेयर हैं वो निकल के बाहर की तरफ नहीं आते हैं और आपकी कटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है, काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। और शॉर्ट करके कट करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप पतले हेयर को अच्छा खासा घना भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको स्टेप्स वाइज जो है कट कर दूंगी। टू फिंगर्स के बीच में आपको सेट करना है और धीरे धीरे से कट करते हुए चले जाना है। ये टेक्निक मैंने आपको और भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है कटिंग करने का बच्चों की। और जिनको जो है ब्लंट कट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक भी आ जाता है। तो इस तरीके से छोटा कर देंगे और देखिए कितना जल्दी हो गया है। ये छोटा करने से ये रहता है कि कभी भी हमारी कटिंग होने के बाद में ये अंदर के हेयर जो है बाहर की तरफ नहीं आते हैं निकल के, और ये हाइड हो जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, आप ये हमेशा किया करें कभी भी किसी भी बच्चे का कट करते हैं तो। और उसके बाद इसको बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। और उसके बाद में देखिए हम एक पार्टिंग करेंगे, तो पतला सा सेक्शन करके इस तरीके से आधे बालों को हम और निकाल लेंगे, आधे बालों को क्लच करेंगे और आधे बालों को हम निकाल लेंगे। पार्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे भी आपका बाल जो है आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कर लेंगे और एक्स्ट्रा हेयर्स को क्लच कर देंगे। बहुत अच्छा रहता है इस तरीके से करने में, देखिए। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो हेयर हैं जो हमने फर्स्ट लेयर कट की थी, जिनको छोटा करके कट किया है, उससे हम इसको बड़ा कट करेंगे। इसको बड़ा कट करना है, उससे थोड़ा लंबा रख के कटिंग करेंगे, तो जो अंदर के हेयर हैं वो अंदर ही रहेंगे, हाइड हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी हमारी लेयर से बाहर नहीं आएंगे। इस तरीके से और टू फिंगर्स के बीच में सेट करके कट करेंगे। आप भी इस तरीके से करने की प्रैक्टिस करिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कटिंग करने के लिए इस तरीके से आपका बालों को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये ज़रूर आना चाहिए आपको। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, आप धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपके हाथों में, आपकी कटिंग में। इस तरीके से देखिए सब तरफ के हेयर को पकड़ना है और कट कर देना है। और उसके बाद जो सबसे फर्स्ट हमने क्राउन एरिया पे क्लच किया था उसको ओपन कर देंगे और सारे बालों को फैला लेंगे, नीचे की तरफ ला लेंगे अच्छे से कोम करके। और अब हम जो है बिल्कुल जो हम सेकंड लेयर अभी कट किए थे जस्ट उसी के बराबर हम इसको भी कट करेंगे, क्योंकि अब हमारी वही गाइडलाइन है और उसी के अकॉर्डिंग हमको ऊपर वाले हेयर्स को कट करने हैं। तो मैं कान के पास से स्टार्ट करूँगी करना, देख सकते हैं आप। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया तो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही छोटी सी बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर लें। बेल आइकन क्लिक करने से यही होता है कि अब मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम तुरंत मिलेगी और वीडियो आप बिल्कुल समय पर देख पाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें कि आप सबको वीडियो कैसी लगी, आपको कटिंग समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और एक नई एनर्जी के साथ में मैं काम करती हूँ तो अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से अंदर के हेयर को देखते हुए
ऊपर वाले बालों को कट करते हुए चले जाएंगे। देखिए वो ऑटोमेटिक ही दिखते रहते हैं, आपको बस उसी के हिसाब से कट कर देना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बिल्कुल बराबर कट करते हुए जाना है। ये देख सकते हैं आप, और हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की है, इस तरीके से कर देंगे। और आज मुझे वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इस वजह से बस थोड़ा बिज़ी थी, इसीलिए मैं काफ़ी लेट से अपलोड कर पा रही हूँ। तो 15 अगस्त को ही मेरा जन्म हुआ था, तो बस उसी की तैयारियों में बस सब चल रहा था घर पे। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा कर लेना है आपको, कितना इजी तरीका है। कई लोगों को ब्लंट कट सुनने से ही बहुत भारी सा लगता, बहुत बड़ा लगता, नो ब्लंट कट कैसे करेंगे, आपको तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके तरीके अलग होते हैं, सबका ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए कटिंग सेम होनी चाहिए, प्रोसेस आपका भले ही डिफरेंट हो, ठीक है, कटिंग दिखनी चाहिए कि हाँ ये ब्लंट कट है, बट अगर आपका प्रोसेस आपका तरीका अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, नहीं, सबके तरीके अलग होते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों से सीखे हुए रहते हैं, तो सबकी टेक्निक अलग होती है, तो हम किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते। हमारा सिर्फ मकसद यही होता है कि कटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका हेयर कट बिल्कुल प्रॉपर और बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए, बस तरीका आपका कैसा भी हो, कि आप किस तरीके से करते हैं, कैसे सेक्शनिंग करते हैं, कैसे लेयर पकड़ते हैं, बट आपकी वो मैटर नहीं रखता, मेन होता है कि आप जब फाइनल कट आपका कंप्लीट होके आता है तो वो कैसा दिखता है। तो इस तरीके से लास्ट में एक बार कट करने के बाद में पूरा रीचेक कर लेंगे, सारे बालों को इस तरीके से पकड़ पकड़ के देख लेंगे अपने फिंगर्स पे। और मैं यहाँ पे ड्रायर नहीं लगाऊंगी, बच्चों को मैं कभी भी जल्दी हेयर सेटिंग या ड्रायर वगैरह ऐसा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कट करती हूँ, और आप लोग भी जितना हो सके अवॉइड करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रायर लगाएं, अगर कोई क्लाइंट्स बोलता है तो वो अलग बात है कि आपको करके देना, बट ऐसा हमेशा कट कराना और ड्रायर लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, और ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो हेयर कट हो चुका है सारे बालों को अच्छे से, और कान के पास के बालों को अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट ये सामने वाली लेयर को कभी भी आप कान के पीछे ले जाते हैं और फंसाते हैं कान के पीछे में, तो जो बड़े बाल रहते हैं वो सामने दिखते हैं तो काफ़ी गंदा दिखता है, इसलिए उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। तो हेयर कट हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा इसका फाइनल लुक आया है। ये हो चुका है और ये है हेयर कट का फाइनल लुक, पीछे भी आप देख सकते हैं, मैंने कोम से हल्का हल्का सा अंदर की तरफ इन कर दिया है सिर्फ, तो सामने से तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रक्षाबंधन, और आप लोग भी मुझे विश कर दीजिएगा, आज मेरा बर्थडे है। तो मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।